दोस्तों, फिल्म शुरू होने से पहले 10 सेकंड के लिए सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों दिखाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो शायद ही आपको पता होगा। इस फिल्म को किस तरह का सर्टिफिकेट मिला है? अगर अ है तो इसका मतलब कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। अगर सर्टिफिकेट पर अ लिखा होता है तो इसका अर्थ है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को माता पिता के निर्देशन में देख सकते हैं। अगर इस फिल्म को व यानी कि वी सर्टिफिकेट मिला होता है तो 18 साल के कम उम्र के बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं। जिन फिल्मों को एस सर्टिफिकेट मिलता है वो स्पेशल ऑडियंस के लिए ही होती है, जैसे कि डॉक्टर या साइंटिस्ट। इस सर्टिफिकेट में फिल्म की लंबाई और कितने रोल की है ये सब कुछ बताया होता है, जिसे कि दर्शकों को पता चले कि ये फिल्म की लेंथ कितनी है। इसमें सेंसर बोर्ड के एड्रेस का पता और साल कौन सी साल में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताई होती है। सर्टिफिकेट के नीचे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम भी लिखा होता है। सर्टिफिकेट का दूसरा भाग भी होता है, जिसमें उस फिल्म के दौरान कितने कट्स हुए हैं ये सारी डिटेल का वर्णन किया होता है, जो सेंसर बोर्ड ने दर्शाया होता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ये सर्टिफिकेट क्यों दिखाया जाता है और इसमें क्या होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस बात का पता चल जाए। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।